नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रजा सिंह। यूपी में पिछले कुछ समय में कई एनकाउंटर को लेकर सवाल उठे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस मुद्दे को लेकर लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे थे। यही नहीं, उन्होंने सुल्तानपुर डकैती मामले में मारे गए मंगेश यादव के एनकाउंटर को जाति देखकर मारने का भी आरोप लगाया था। वहीं बहराइच हिंसा के दो आरोपी सरफराज और तालिका को गोली लगने के मामले पर भी सवाल उठाए थे। अब इस आरोपों का काट योगी सरकार ने निकाल लिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक नए एनकाउंटर पॉलिसी जारी की है, जिसका मकसद राज्य में अपराधों पर काबू पाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। इस पॉलिसी में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं जो इससे पहले से ज्यादा असरदार और पारदर्शी बनाएंगे। तो वो क्या बदलाव है, चलिए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। हर एनकाउंटर के बाद न्यायिक जांच अनिवार्य होगी। एनकाउंटर करने से पहले उच्च अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा। दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच से उसकी जांच कराई जाएगी। एनकाउंटर के दौरान पुलिस कर्मियों के बॉडी कैमरे और ड्रोन का इस्तेमाल जरूरी होगा। एनकाउंटर के बाद इस रिकॉर्डिंग की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एनकाउंटर के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि निर्दोष लोगों को कोई नुकसान ना हो। जिस जगह पर शूट आउट हुआ वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी। दो डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से एनकाउंटर अपराध नियंत्रण की एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरे हैं। राज्य सरकार ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दी, जिसके परिणाम स्वरूप कई एनकाउंटर हुए। इसने एक ओर जहां अपराध दर में कमी लाई तो दूसरी ओर ये मुद्दा विवादों में भी घिरा रहा। इसलिए नई पॉलिसी से अब यूपी में अपराध कम करने और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में अवश्य मदद मिलेगी। इसका मकसद एनकाउंटर को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि पुलिस कार्यवाही सही ढंग से हो और आम लोगों के अधिकारों की भी रक्षा की जा सके। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।